तो खाने के बाद जब बिल मांगा गया तो पता चला कि यहाँ पे बिल नहीं दिया जाता है किसी। बता रहे हैं कुछ वहाँ और है ना, चाहिए था ना नहीं, हमने तो पेमेंट किया है। मैं बता दूं, लगा है उधर लगा वो नहीं दिखा आपको? नहीं, मैंने पेमेंट किया है, ठीक है, मुझे बिल चाहिए था। तो आपको देखना चाहिए ना, जैसे आप दिखा रहे हैं ना बिल वाउचर, आप दिखा रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा ना बिल वाउचर आप दिखा रहे हैं। जब वो नए आए उनको नहीं पता तो कहाँ से दे रहे हैं? ऐसा किया जाता है हर समय, ये किया जाता है। हम लोग तो रेगुलर ट्रेवल करने वाले हैं, सफाई भी देख बिल्कुल ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ पे आम आदमी खाने वाला नहीं कोई ढंग की चीज, और जो है जो 15 चीज है वो 30 के नाम पे बिल्कुल जीरो है। सफाई देखिए, ये उत्तर प्रदेश के जो प्लाजा बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, जहाँ पे वो फूड खा सके, 10 मिनट रुक सके, लंबे सफर से रेस्ट कर सके, तो ऐसे में आदमी खड़ा ही कैसे होगा, वो खाएगा सब्जी लगा दे रहे हैं। छोले के बारे में 30 रुपए के एक चम्मच खाया, उसके बाद उसको उड़ा के फेंक दिया, क्योंकि अभी खाता उसके बाद जाके फिर हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता। क्वालिटी में दम नहीं है, चाय पी लो। मैन क्या क्वालिटी का मैटर है, बिल का कोई मैटर नहीं है, बिल मिले नहीं मिले लेकिन क्वालिटी मिलना चाहिए, बस क्वालिटी का मैन इशू है, बिल का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी ही नहीं मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप चाय पी लो, अभी पी लो ना चाय। इस समय हम लखनऊ अयोध्या के हाईवे पे काशीपुर भिटरिया के मिडवे यात्री प्लाजा, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से अनुबंधित है 2021 से लेकर 2024 तक, उस रास्ते पे निकल रहे थे। तो जब सरकारी टूप दिखा जहाँ पे अनुबंधित है रोडवेज के द्वारा, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा, तो कुछ लंबे समय से सफ़र पे थे तो ये हो कि कुछ खा लिया जाए, परिवहन से संबंधित है तो क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी, साफ़ सफाई सुथरा होगा कम से कम। पर यहाँ आने पे जो स्थिति है आप देखिए, एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है विज्ञापनों पे, जागरूकता पे, और बजट भी अलाट कर रही है स्वच्छता को लेकर, पर क्या स्वच्छता है जो अनुबंधित है यह मिडवे यात्री प्लाजा। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जब कुछ खाना चाहा, यहाँ पे जैसे टिक्की है, कुछ ज़्यादा विशेष तो अभी नहीं है, पर जो है जैसे टिक्की है और ये जो चना वगैरह, तो खाने के बाद जब बिल मांगा गया तो पता चला कि यहाँ पे बिल नहीं दिया जाता है किसी को। पूछा गया तो लोग बता रहे हैं, जो वर्कर हैं उनका कहने का कि जो 3 साल का इनका अनुबंध हुआ है उसी में एक साथ ही सब कुछ दे दिया गया। हमने पूछा, भाई अगर आप बिल देते हैं नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कितना बिक्री हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना टैक्स उस पर जाना चाहिए, हर चीज़ पर टैक्स होता है, आप टैक्स बचा रहे हैं एक तरीके से, ये टैक्स चोरी भी है। आप यहाँ से हैं? हाँ, यहीं से हैं। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, ये जो चल रहा है जैसे टिक्की वगैरह है, आप वैसे इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं? भैया देखो, अब हमारे यहाँ जैसे भीड़ लगती है, अब बिल लोग नहीं मांगते, जो मांगता है उन्हें हम देते हैं। भैया मैंने मांगा, जो आपके भैया हैं मैंने मांगा, तो उन्होंने कहा कि 3 साल का बिल हम एक ही बार में जमा कर देते हैं, और टैक्स, मैंने कहा टैक्स कैसे कटेगा ऐसे, अगर आप बिल नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि एक दिन में बिक्री क्या है, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाएगी? लोग ना, वो कहते हैं कि 3 साल में एक ही बार में दे देते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं, जो मांगते हैं हमसे हम उनको देते हैं। हम पूछ रहे थे अभी भाई साहब, वो तो मैंने कई बार पूछा, ऊपर रखी हुई है अभी भी, वहाँ भी आपके आपके सामने ही है भैया, मैंने ही पूछा, वहाँ भी रखते, दुकानों पे रहता है, लेकिन जब जो मांगता है उसे देते हैं। जहाँ से टिक्की लिया उनसे भी पूछा, वो भी कहे कि बिल नहीं मिलता, आगे पूछ लीजिए, आगे पूछा तो आपने अभी बिल किसके नाम पे है ये? ये मिडवे यात्री प्लाजा, कोई भैया मांगता नहीं तो देते नहीं है, जो मांगता है। गवर्नमेंट का एक और कहना है कि अगर बिल नहीं तो पेमेंट नहीं, ये भी चलता है, वो भी जागरूकता करा रहे हैं। तो अगर आप बिल नहीं देते, अगर कोई पेमेंट नहीं देता देगा अगर, तो जैसे मैंने बिल मांगा तो मुझे तो मिलना चाहिए था। हजार नहीं मांग रहे हैं, हजार गधे हैं। हाँ। या वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स मिले या न मिले, वो बुद्धिमान है, मैं गधा हूँ। देते जो नहीं मांगता उन्हें नहीं देते, मैंने मांगा मुझे नहीं दिया गया। अब उनको नहीं पता रहा होगा, ऊपर रखी क्या, वो अभी 2-4 दिन में आए हैं क्या वर्कर आपके? ना, चेंज होते रहते ना, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ। तो वैसे क्या आज कितने दिन में कुछ बिल कटे भी या बिल्कुल नहीं कटते? नहीं कटे। कल की तारीख में कोई कटौती? टाइम कितना होने वाला है? शाम के 5-6 बजे। ये जागरूकता है लोगों की, 5:29 हो गया है और ये 24 घंटे 24x7 चलता होगा। हाँ, 24x7 चलता है, बिल अभी तक कोई नहीं कटा है इनका। किसी काउंटर, अगर किसी काउंटर पे कटे होंगे तब कटे होंगे, अरे सब एक में ही थोड़े से, सब दुकानों के अलग, सबका अलग अलग है। वैसे क्या रेट है आपका इसमें? क्या हैगा ये टिक्की वगैरह और चना वगैरह कुछ प्रिंट किए हैं क्या है? नहीं, आप इस पे रेट नहीं लिखा, जो मांगते उस पे दिया जाता है, इस पे रेट नहीं लिखा है। ये अभी रफली में चला रहा है, कोई 20 का लेता है, कोई 30 का लेता है, कोई इस पे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। इस पे जब लोग लेंगे तभी तो लिखेंगे, इसे लिख देंगे। मैनुअली चल रहा है? नहीं, जब लोग कहें, नहीं कंप्यूटराइज नहीं है। जैसे टिक्की खाने में होते हो तो उसका प्राइस नहीं है, जैसे 25-30, जैसे कोल्ड ड्रिंक है 40 का। आप भी वर्कर हैं यहाँ पे? जी वर्कर है। जैसे कोल्ड ड्रिंक मिलती है 40 की मिलती है, 20 की मिलती है। हाँ।
जिसमें एमआरपी है उसका एमआरपी सही दिया जाता है। टिक्की में कौन से मार क्वालिटी नहीं, अरे आप बेच रहे हैं ना बाहर भाई, सिंगल पीस एक है डबल पीस है जी जी। तो उस पर कुछ तो होना चाहिए, जैसे आपने ये लगा रखा है लगी है, आप देख लीजिए दिखा दीजिए वहाँ तो यहाँ पे हम आप बताइए तो देख लो ना लगी तो है आप कह रहे थे कि लगा नहीं, आप कुछ और बता रहे हैं कुछ तो वहाँ और देखना चाहिए था ना नहीं, हमने तो पेमेंट किया है मैं बता दूं लगा है उधर लगा वो नहीं दिखा आपको नहीं, मैंने पेमेंट किया है ठीक है, मुझे बिल चाहिए था तो आपको देखना चाहिए ना, जैसे आप दिखा रहे हैं ना बिल वाउचर आप दिखा रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा ना बिल वाउचर आप दिखा रहे हैं, जब वो नए आए उनको नहीं पता तो कहाँ से दे देंगे, या मैं कह रहा हूँ बिल वाउचर आपके पास है मैं आपसे पूछूंगा ना, मैंने तो आपको देख लिया रहे थे उनको नहीं पता उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि 3 साल का जो भी टैक्स है वो हम लोग एक ही बार में देते हैं एडवांस में, मतलब आप ये कैसे तय कर सकते हैं 3 साल में 100 यात्री आएंगे 200 यात्री एक महीने 15 दिन 10 दिन कोई रहता, कोई 5 दिन रहता, कोई 2 ही दिन रहता, 3 साल का कोई आदमी नहीं हमारे पास, अब यात्री मान लीजिए आ रहा है हम कोई नहीं मांगा, मैंने मांगा तो मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, मुझे बताया गया कि बिल नहीं मिलता है भैया, वो बता दिए होंगे उन्हें नहीं पता था, तो अभी मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। खाना कैसा है? बिल्कुल ये सर बताइए कि चाय आपने पी तो आपने क्या बिल मांगा? नहीं, क्या बिल की आवश्यकता नहीं होती, एक चाय में बिल क्या मांगेंगे, कुछ खाना खाए तो बिल मांगेंगे, ना कोई बिल देगा यहाँ पे, नहीं वो तो कह रहे हैं कि बिल देते हैं, बिल कोई बिल नहीं देता रहता है, कोई बिल नहीं देता है, कोई बिल क्या इससे पहले भी यात्रा की है आपने? ऐसा करते हैं हर देखिए भी है कि कहते हैं कि अगर मांगा भी जाता है तब भी बिल नहीं दिया जाता, पर आपका कहना है कि हम बिल देते हैं जो मांगते हैं, आप बताइए सर आप जैसे ट्रेवल करते हैं तो क्या आप बिल कभी ऐसे टूल सर आता हूँ बिल कभी नहीं दिया, लेकिन मैंने मांगा भी नहीं बिल। अच्छा आपने मांगा क्या क्वालिटी में दम नहीं आया, चाय पी लो मैन, क्या क्वालिटी का मैटर है, बिल का कोई मैटर नहीं है, बिल मिले नहीं मिले लेकिन क्वालिटी मिलना चाहिए, बस क्वालिटी का मैन इशू है, बिल का कोई इशू नहीं है, क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहा है बिल्कुल नहीं, आप चाय पी लो अभी, पी लो ना चाय अभी, चाय नहीं मैंने टिक्की खाया तो मैं मुझे पता है कि कितनी क्या क्वालिटी है इनकी, सब्जी लगा दे रहे हैं छोले के नाम पे सब्जी लगा दे रहे हैं, छोले के बारे में 30 रुपए के एक चम्मच खाया उसके बाद उसको उड़ा के फेंक दिया क्योंकि अभी खाता उसके बाद जाके हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता, सबसे बड़ी चीज उसके बाद सबसे बड़ी चीज बस ऐसी जगह पे रोकते हैं ना कोई ढंग की चीज खाने वाली होती, बस इन लोगों का वो होता है भी ऐसा किया जाता है हर समय ये किया जाता है, हम लोग तो रेगुलर ट्रेवल करने वाले हैं, सफाई भी देख बिल्कुल ऐसी जगह पे रुकता है जहाँ पे आम आदमी खाने वाला नहीं कोई ढंग की चीज, और जो है जो 15 की चीज है वो 30 की जस्ट डबल, उसके बाद भी बिल्कुल कमीशन खोरी है, हाँ कमीशन खोरी तो आई है बिल्कुल, ऐसे जब प्रकरण दिखते हैं तो वो कमीशन खोरी ही प्रथम दृष्टि में समझ में आते हैं कि आप क्वालिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं, सफाई देखिए ये उत्तर प्रदेश के जो प्लाजा बनाए गए हैं यात्रियों के लिए जहाँ पे वो फूड खा सकें 10 मिनट रुक सके लंबे सफ़र से रेस्ट कर सके, तो ऐसे में आदमी खड़ा ही कैसे होगा, वो खाएगा क्या, और खाएगा तो फिर बिल नहीं है, और क्वालिटी तो मसाला ही है, आप बताइए आप यात्री हैं कि यहाँ के कर्मचारी हैं? अच्छा ऐसे आप बताइए भैया आपने बिल्कुल सादा चुना क्यों? अरे सर मैं होटल पर ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ, मैं सादा ही खाता हूँ। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बताइए सर आपने कुछ ग्रहण किया? नहीं सर हमने कुछ नहीं खाए, हम अपना चना खुद लेके आए थे हम। अच्छा चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है, व्यवस्था से हम जान ही रहे। कहने को सरकारें कुछ कहती हैं पर चंद अधिकारी बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने जिनके साथ अनुबंध किया है क्या वो यात्रियों को सही सेवाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, साथ में हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जहाँ पे भी खाएं कम से कम अपना बिल जरूर लें, और अगर क्वालिटी किसी भी चीज़ में क्वालिटी कुछ भी रेट संबंधित आपको समस्या लगती है तो काउंटर पे जाके एक सवाल ज़रूर पूछें कि सर सफाई क्यों नहीं है, जो आप दे रहे हैं इसमें क्वालिटी क्यों नहीं है, बिल क्यों नहीं है, वो कहते हैं कि बिल बुक धरी हुई पर कोई बिल मांगता ही नहीं। जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए।